channel. It's me, Vidha. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are all good and well. I am good too. तो आज की जो वीडियो है वो है एक ब्रांड के बारे में रिव्यू है which I recently wanted to try it. So cosmetics. This is called Perfect. अ परफेक्ट किस इस नाम से ये ब्रांड है और ये कोरियन ब्रांड है और ये अपनी चीज़ें सेल आउट करते हैं पाकिस्तान में भी. तो क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोरियन मेकअप यूज़ होता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होता है. तो मैं आज के बारे में थोड़ी सी बात करूँगी क्योंकि एक फाउंडेशन मैंने खरीदी है. मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया ये ब्रांड ना ऐसे कोई प्रोडक्ट. तो आई वॉन्टेड टू रिव्यू इट फॉर यू गाइस कि कैसा है ये सब और कैसा नहीं है. तो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो ये दो चीज़ें हैं जो कि मैंने रिसेंटली बॉट की है. ये ए पी के की फाउंडेशन है और ये इसका सेटिंग स्प्रे है. अच्छा, तो मैंने इससे पहले यूज़ नहीं किया तो आई एम काइंड ऑफ के ये कैसे निकलेगी. ओके, सो मैंने शेड नंबर 2 किया है. इसको मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा अपने, लाइक दिस इज लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन टाइप है. तो इसको खोल चेकआउट करते हैं. तो अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है, ये नज़र आती है ठीक है. ये कार्डबोर्ड का इसका बॉक्स है तो हम इसको खोलते हैं एंड ओह माय गॉड, दिस इज 2 नंबर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. ये ए पी की शीर शिमर फाउंडेशन है, लाइक इसमें शिमर होगा जिस तरह शिमरी फाउंडेशन होती हैं उस तरह का होगा. एंड दिस इज शेड नंबर 2 विच इज आई एम नॉट श्योर कि दिस इज टू लाइट फॉर माई फेस. अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या पता ये फुल कवरेज नहीं है, लाइक मे बी या शीयर कवरेज ही हो और ये भी हो सकता है कि ये मेरी फेस टोन के साथ मिक्स आउट हो जाए या कुछ भी हो सकता है. सो ये तो मुझे ट्राई करके ही पता चलेगा. सो आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस. ओके, तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी रोज पे के ब्यूटीफाई द फ्रेश प्योरीफाइड वाटर से. सो इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, मैं इधर आई बटन पे लगा दूँगी इधर या इधर जहाँ भी होता है. तो यू कैन वॉच इट स्टार्टेड शेक इट वेल. अच्छा, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा लिखा हुआ है, SPF 20 होता है इसमें, लाइक आपको सन प्रोटेक्शन भी देगा ये. और इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट स्मूथ एंड ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन विथ शाइनी इफेक्ट. ओके, सो लेट्स सी एंड आई एम यस 2 pumps or 3 pumps check out karti hu. So let's see. Oh my god, it's so much bright. It's like no, this is too much white for my skin. Okay, so is side ko main brush se blend out karke dekhti hu ki ye kis tarah ki nikalti hai. No. I hope so कि it blend out हो जाए, ये like this तरह होती है. So let's see. अगर तो ये शेयर नंबर 2 है then this is too much light for people like Asians, like वाकई ये कोरियंस के लिए ही होगी या हम कह लें कि आई होप सो कि डिजॉल्व हो जाए स्किन में. आई जस्ट होप नो वे लाइक
लाइक अ 2%। अच्छा, ये कवरेज आपको अच्छी देती है लेकिन बहुत ज़्यादा आई थे लाइक नो वे आई एम नॉट गोना यूज दिस फाउंडेशन अगेन, सो लेट्स ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर से करके देखती हूँ कि शायद ये डिजॉल्व हो जाए या कुछ तो हो। Here I can see shimmer, a little shimmer in this. Okay, so अब ये मेरी स्किन के साथ मैच आउट हो रही है लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको फुल अपने अकॉर्डिंग करने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। लाइक इट कैन गुड फॉर पिक्चर्स, जिस तरह आपकी पिक्चर्स आती हैं उसमें आपकी बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगी लेकिन दिन के टाइम के लिए आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस, क्योंकि एक तो सूरज होगा और आपका फेस लाइक लाइट ही लगेगा, तो आई गेस फॉर नाइट इट गुड। ओके, सो आई गेस ब्रश से बेहतर ये काम करता है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, सो लेट्स डू द अदर हाफ एंड सी। ओके, इट ब्लेंडेड आउट वेल, आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट नाउ, बट लेट्स सी। और आई एम यूजिंग इट टू मच, आई डोंट नो, बट कि अपने दिल नेक को कभी नहीं भूलना, सो डोंट फॉरगेट द नेक नेवर एवर। ओके, तो ब्रश से ये उतनी नहीं अच्छी तरह होती जितनी ये ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट होती है लाइक आपकी बिल्कुल स्किन के साथ। सो ब्रश पे ये होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर का ये कि थोड़ी सी सोक अप भी कर लेता है अपने अंदर और ब्रश वो नहीं करता, सो मे बी दैट्स व्हाई, बट लेट्स सी हाउ दिस एंड्स। दो मुझे ये वाली साइड जो है जो ब्रश वाली ज़्यादा कवरेज दे रही है और जो ब्यूटी ब्लेंडर वाली है वो कम, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थोड़ा एक पंप और लूँगी और उसको ब्रश से ही उधर कम करूँगी। या वैसे आई लाइक टू अप्लाई फाउंडेशन विद ब्रश मोस्टली क्योंकि वो आपकी स्प्रेड आउट बहुत अच्छे से हो जाती है और उसके बाद आप उसको अपनी स्किन में ब्लेंड आउट कर सकते हैं लाइक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से, मेरे को क्रेजिंग आ रहे, सो आई थिंक गुड। सो नाउ ब्यूटी ब्लेंडर से डू इट लुकिंग अ लिटल लाइटर विद, क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा मेरे फेस से लाइट हैं तो मेरा फेस अब ज़्यादा लाइट हो गया है, पर इट्स नॉट बैड, लेकिन आई एम नॉट थिंक कि इट्स दैट मच गुड, लाइक द कवरेज इज ओके, द इट गिव्स मी शिमर वी लुक, सो आई गेस इट्स नॉट बैड, लाइक यू कैन यूज इट, लाइक बहुत बुरी नहीं है, यू कैन वर्क इट आउट अगर आप इस पर काम करें तो यू कैन बिल इट अकॉर्डिंग टू यू। सो आई एम डन विद माई फाउंडेशन, सो फॉर इट लुक्स गुड, इट लुक लाइक मेरे डार्क सर्कल डार्क स्पॉट सारे कवर आउट हो जाते हैं क्योंकि कोरियन फाउंडेशन कोरियन स्टफ फेमस की इसी वजह से है मोस्टली, सो आई एम गोना सेट इट आउट विद माई
मैंने इस तरह कंटूर किया क्योंकि थोड़ा येलोइश पाउडर है, तो आई होप सो कि इट ब्लेंड आउट। तो इससे मैं इसको सेट आउट कर लूँगी ताकि लाइक जस्ट सेट आउट और लाइक लुक्स गुड। या आई एम काइंड ऑफ लाइक इट, लाइक थोड़ी सी लाइट है बट वी कैन वर्क इट आउट। ये मिलानी का बेक ब्लश यूज़ करने लगी हूँ इना टेरा फॉल में, और इसके लिए मैं ये ब्रश है कि मुझे पी आर पैकेज में आए थे। सो आई एम गोना यूज इनकी क्वालिटी लाइक चेक कर लूँ। दिखने में तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, आई डोंट नो, सो लेट्स सी। तो ब्राउन थोड़ा इसलिए कर रही हूँ ताकि यू नो कि बिल्कुल ही वाइट वाइट ना हो जाए, तो लेट्स सी। It's good, not the best. Like, I want fluffy brush for my. It's good. Its quality is good. ऐसा कुछ नहीं है कि quality अच्छी नहीं है, लेकिन let's back to my. Okay, for lips I'm using this ColourPop ki lip liner, lippy pencil, and this is in shade. It's base. I'm totally loving this. Okay, so main iske liye thoda bold color use karne lagi hu. Next guy, I don't know, okay, kaisa lagega, but let's see. I hope so, it looks good. Yeah. Okay, so I'm back, I'm done with my eye look के लिए मैंने NYX की ही लिपी को एज अ लाइनर यूज किया है। अंडर आई मैंने आइकॉनिक लक्मे आइकॉनिक की यूज़ की है, और ओके सो द फाइनल स्टेप। ओके आई लाइक दिस फाउंडेशन क्योंकि ये बहुत स्मूथली मेरी स्किन पे बैठी है, और अगर आप पिक्चर्स पे लेंगे तो इट लुक्स सो गुड इन योर पिक्चर्स क्योंकि ये बहुत फ्लॉलेस लग रही है इस टाइम। सो आई गेस आई लाइक इट नॉट लाइक इन द डे लाइट बट इन द नाइट टाइम। ओके सो उसके बाद मैंने इनका ये फिक्सिंग स्प्रे भी लिया था। फिक्सिंग स्प्रे का नाम है आई कैन नॉट रीड इट, मैट फिनिश इसका नाम है। सो इसकी पैकेजिंग देख के मैं लिया था बिकॉज आई लाइक फंकी कलर फंकी पैकेजिंग। सो ये कुछ इस तरह की बॉटल आती है और a lightweight formula, and it's good thing ye ki in the expiry date bhi hai, so I'm just you know check it out ke ye maine bahut zyada laga liya hai, I'm not expecting that much but let's see. Okay so foundation ki jo baat ki jaye, I don't think so ke aapko concealer ki zarurat padti hai isme kyunki maine concealer nahi lagaya, still mere dark circles kafi had tak chupe hue hain, like डार्क स्पॉट भी नज़र आ रहे हैं। इट लुक्स सो मच फ्लॉलेस, इट लुक्स गुड। सो आई गेस या यू कैन यूज इट, लाइक इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट दैट बैड विच आई एक्सपेक्टेड। कैन यू सी माई स्किन इज ग्लोइंग, मैंने हाईलाइटर नहीं लगाया लेकिन जो इसमें शिमर था ऑलरेडी उसकी वजह से मेरा पूरा फेस ग्लो कर रहा है, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो सो डोंट थिंक इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो क्योंकि मैंने खुद बाय की है और मैं अपना रिव्यू खुद कर रही हूँ बिकॉज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव द थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।